राजधानी लखनऊ के लोक भवन, विधान भवन और बापू भवन अब रंग बिरंगी लाइटों से चमकते नजर आए। भवन पर डायनेमिक और फसाड लाइटिंग की गई। फसाड लाइटिंग गुजरने वाले यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको इस बात का एहसास करा रहा है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव पूरे भव्यता के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। इस क्रम में प्रभात फेरी हो, तिरंगा यात्रा हो या 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को पहुंचाने का कार्यक्रम और हर घर पर तिरंगा, भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लगाने का कार्यक्रम, ये केवल एक सरकारी आयोजन नहीं बल्कि आम जन की सहभागिता से राष्ट्र उत्सव का एक कार्यक्रम बने, जहां आजादी का अमृत महोत्सव का यह पर्व हम सबको देश की आजादी के लिए बलिदान होने वाले ज्ञात और अज्ञात उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा और नमन का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने जो आगामी 25 वर्षों का एक अमृत काल पूरे देश के लिए तय किया है कि जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय हमें कैसा भारत चाहिए, उस समय का भारत हमारी परिकल्पना का कैसा होना चाहिए। देश के खिलाड़ी देश